31 को अपन चेक करेंगे यहाँ पे। इसमें दो स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये स्विच है जो इंजन को कंट्रोल करेगा, और ये वाला है ब्रेक स्विच के लिए लाइन, जो कि पीछे का लाइट नहीं जल रहा, कस्टमर का कंप्लेन है। तो सबसे पहले ये वाला स्विच चेक करेंगे। इस पर दो लाइन आ रहा है और इस पर भी आ रहा है, और जब इस पर देख सकते हैं, ये मैं चिमटा लगा देता अपना चेक करने वाला, और ब्रेक मारेंगे तो देख सकते जल रहा है। तो ये लाइन जो है ACM में जाता है ब्रेक मारने पर, जो इंजन अपना कंट्रोल होता है, ठीक है। और ये ब्रेक स्विच है डायरेक्ट लाइन, और दूसरा ब्रेक लाइन देखते जल रहा है कि नहीं, ब्रेक मारने पे नहीं जल रहा है, ठीक है। तो ये स्विच है ख़राब। अभी ये चिमटा लगाया वापस तो डायरेक्ट जल रहा है, और ब्रेक मारने पे करंट नहीं फेंक रहा है। तो ये अपने को ब्रेक स्विच बंद नहीं करना है, बंद ही करके तो देखते करंट आ रहा है कि नहीं। तो ये स्विच खोल के लेते हैं, देख सकते हैं अभी अपना खुल गया है, और इसमें भी दूसरा डालेंगे, ये काम नहीं कर रहा है बराबर, ठीक है। ये अपन नया लिए और ये जूना वाला है, इसको लगा के लेंगे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है। तो देख सकते हैं फिटिंग करके हो गया मेरा, अब चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं अपना, ठीक है। ये तो चाबी पे डायरेक्ट लाइन एक आ रहा है, ठीक है। देखो ब्रेक पैडल भी छुटा हुआ है, और इसको लगा देते हैं और ब्रेक मार के देखेंगे, अभी जलने लगा। तो पीछे का भी ब्रेक लाइन चालू हो गया, ठीक है। ये ब्रेक स्विच इसमें दो रहता है, एक स्विच आता है ACM में करंट जाएगा ब्रेक मारने पे, और दूसरा जाएगा ब्रेक मारने पीछे, जो कि इंजन कंट्रोल होता है, ऐसा इसका मतलब यही है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।